तो दोस्तों, मैं अनूप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक ले आया हूं। इसमें हम आज करवाएंगे क्रॉस क्वेश्चन। देखो, आपको बता दूं कि यूट्यूब के इतिहास में आप कहीं भी सर्च कर लेना, आपको ऐसा टॉपिक कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम जो टॉपिक करेंगे ना, वो करेंगे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। यानी इस आप कहीं भी देख लेना, क्रॉस क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि हर प्रकार से आपकी जीके में सहायता की जाएगी। बस आपको क्या करना है कि अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत के कौन कौन से राज्य सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में है। सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पूर्व पश्चिम से देखने से पहले कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का याद रखना भाई, आकार है चतुष्कोणीय आकार है भाई, चतुष्कोणीय आकार है भारत का, चतुष्कोणीय आकार है। देखो कैसा आकार है, तो ऐसा आकार बनेगा। आप देखना कभी मैप को सही से ढंग से देखोगे तो ऐसा आकार बनेगा। ये दिशा बनेगी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व है और ये पश्चिम दिशा है। तो देखो, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूर्व और पश्चिम। तो देखो, पूर्व में जो अंतिम में राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में पूछ रहे हैं तो भाई गुजरात, पश्चिम में गुजरात है अंतिम राज्य। अगर वो पूछ ले कि उत्तर में कौन सा है, तो सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर अब फिलहाल क्या बना दिया गया भाई, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद देखो ये राज्य बनने की इसकी पूरी संभावना। अभी देखो, आपको पता होगा कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि पहले 29 थे और ये 7 थे, तो दो ये जोड़े थे, लेकिन दो में से ये 29 में से एक कम कर दिया, तो ध्यान रखना। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेता है, इनके अंतिम पॉइंट पूछ लेता है कि भाई पूर्व में अंतिम बिंदु, पश्चिम में अंतिम बिंदु और उत्तर दक्षिण में अंतिम बिंदु कौन कौन से। देखो, सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, उत्तर का अंतिम बिंदु। तो देखो, उत्तर में अंतिम बिंदु है वो है भाई अपना इंदिरा कौल। भारत के उत्तर में अंतिम बिंदु इंदिरा कौल है। अब पूछ ली भाई पश्चिम में कौन सा है अंतिम बिंदु, तो पश्चिम में है भाई, देखो आपको दो पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर, एक तो सरक्रिक, एक मिलेगा भाई यहाँ पर किसी किसी बुक में आपको गौर माता भी मिलता है भाई। गौर माता या सरक्रिक, दोनों इसके अंतिम पॉइंट है पश्चिम में। अगर पूछ ले पूर्व की, तो पूर्व में भाई आपको एक तो मिलेगा वालांगू और एक मिलता है इसमें कीबीथू भी, कीबीथू। एक तो वालांगू मिलेगा आपको पूर्व में अंतिम बिंदु और एक मिलेगा कीबीथू। अब देखो, यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो दक्षिण पॉइंट में पूछेगा, क्योंकि दक्षिण में आप सभी जानते हो कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये देखना कभी मैप में कि बिल्कुल थोड़ा सा इस दक्षिण पॉइंट से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं भाई इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और जो ये यहाँ पर जो पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, केप कोमरिन, केप कोमरिन बिंदु कहेंगे, केप कोमरिन बिंदु यानी अंतिम बिंदु केप कोमरिन कहेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से ये इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि, कहता है कि भाई बीसीजी का टीका किसके रोकथाम के लिए। तो देखो, बीसीजी का जो टीका है ना, वो किसके रोकथाम के लिए। देखो, सबसे पहले हम बात कर ले बीसीजी टीके का। तो देखो, बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है, वो लगाया जाता है भाई तपेदिक, तपेदिक के लिए भाई। तपेदिक का मैंने बताया था, तपेदिक का दूसरा नाम क्या है, टीबी, या फिर इसको क्षय रोग भी कहते हैं, छह रोग भी कहते हैं। ध्यान रखना, बीसीजी इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म भाई बेसिलस कालमेट ग्लूरिन, बेसिलस
कालमेट ग्लूरीन। कई बार आपको इंग्लिश में सीधा ऐसे देखने को मिल जाता है, तो कई बार क्या देगा वो आपसे ये पूछ लेगा भाई बीसीजी में सी की फुल फॉर्म बताओ, तो सी का पूरा नाम क्या है भाई, कालमेट और ग्लोरीन। ऐसे ही एक और टिक्का आता है, वो है भाई डीपीटी का टिक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट, जितना ज़्यादा मोस्ट लगाना चाहो तो मोस्ट लगा लो। हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाता है, 90% पूछता है क्या है भाई डीपीटी। तो देखो सबसे पहले डीपीटी के बारे में ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन का मतलब समझे, ट्रिपल एंटीजन का मतलब एक टीका तीन बीमारियों का खत्म कर देता है। कौन कौन सी तीन बीमारी, तो देखो सबसे पहले डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक बीमारी है भाई, पी से बनेगा प्लूटियस। प्लूटियस के बारे में नहीं समझते तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काली खांसी, काली खांसी कहते हैं भाई। उसके बाद एक और है टेटनस, टेटनस ये तीन बीमारी है और टिक्का सिर्फ एक है, कौन सा है भाई डीपीटी का टिक्का। और ये सभी को लगाया जाता है, ये कब लगाया जाता है, जब बच्चा 6 माह से और 14 माह तक के बीच में रहता है ना, तो सभी को लगता है, आप सभी को, हम सभी को टिक्का लगता है भाई ये, क्योंकि ये क्या होता है कि ये तीन बीमारियों का एक ही टिक्का है, ध्यान रखना। तो ये अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि भाई डिप्थीरिया हो गया, प्लूटियस हो गया, टेटनस हो गया, ये किस से होते हैं, वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, प्रोटोजोआ से या कवक फफूंद से। तो ये ध्यान रखना भाई, ये तीनों बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है भाई, जीवाणु जनित बीमारी है भाई। जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है, तो भाई ये तीनों जीवाणु जनित बीमारी है भाई। तो ध्यान रखना भाई, डीपीटी, बीसीजी, बीसीजी का बताया था तपेदिक यानी टीबी के लिए, डीपीटी तीनों के लिए है भाई। तो ध्यान रखना भाई इसके बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भाई बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी या पार्टी की जगह वो कई बार कांड भी दे देता है, क्या है भाई ये बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन टी कांड। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा भाई, बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना भाई बोस्टन टी पार्टी का संबंध है वो अमेरिकी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से भाई बोस्टन टी पार्टी का संबंध। क्या थी भाई ये बोस्टन टी पार्टी, तो देखो अमेरिका अभी आज से कई यानी 400-500 साल पहले, लगभग 400 साल पहले हमारी तरह गुलाम था, किसका गुलाम था, तो ये भी भाई ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, और इसने अपनी आज़ादी के लिए क्रांति की थी और उसका नाम क्या रखा गया भाई, बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन टी कांड। अगर पूछ ली कब हुए थे बोस्टन टी कांड, तो ये हुआ था 1773 में बोस्टन टी कांड हुआ था। और इसका जो प्रमुख नायक पूछ लेता है, तो भाई प्रमुख नायक था सैमुअल एडम, सैमुअल एडम। एक तो सैमुअल एडम है, और अगर आपने कभी पढ़ा हो तो एक सैमुअल कोल्ट भी है भाई, सैमुअल कोल्ट। क्या है, कौन है सैमुअल कोल्ट, तो इसने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था भाई, क्या किया था इसने, रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल एडम ने, क्या किया था, तो बोस्टन टी पार्टी मनाई थी, और रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो वो आएगा भाई सैमुअल कोल्ट। ठीक, इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है भाई कि अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, तो याद रखना भाई अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 में। तो अमेरिका अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई को मनाता है, 4 जुलाई 1776। देखो अमेरिका के बारे में बता दूं, तो विश्व में सबसे पहले संविधान बनाया था भाई इसने, विश्व में सबसे पहले संविधान किसने बनाया था, तो अमेरिका ने बनाया था। और सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का है भाई, सिर्फ 4 पेज का, सिर्फ 4 पेज का संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कब कब बनाया था, कब लागू किया था, तो 1789 में अमेरिका ने अपना संविधान लागू किया था। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो वो है भाई डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है भाई।
ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ध्यान रखना भाई, अमेरिका के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो इसका सबसे प्रमुख एक राष्ट्रपति, आपको आपने कई बार नाम सुना होगा इब्राहिम लिंकन, इसके बारे में कई बार पूछ लेता है कि इब्राहिम लिंकन ने किस नंबर का राष्ट्रपति था। तो भाई ये था 16वें नंबर का राष्ट्रपति था इब्राहिम लिंकन। के बारे में कभी पढ़ना, इससे ज़्यादा स्ट्रगल आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। इसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में असफलताएं बहुत ज़्यादा देखी है, इतनी इसकी उम्र नहीं होगी इतनी इसने असफलताएं देखी, और लास्ट में एक बार सफल हुआ था ज़िंदगी में, और उसमें फिर पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति ये बना था। तो ध्यान रखना भाई, इब्राहिम लिंकन जैसे जो उच्च विचार के जो महान पुरुष है ना, इनकी बुक्स और इनके बारे में इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए भाई, कुछ नया मिलता है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया। तो देखो क्या क्वेश्चन है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है उसको किस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया। तो देखो वो कौन सा है, तो भाई 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया, और अब ये कानूनी अधिकार बन गया अभी अपना, क्योंकि अब हम ज़्यादा संपत्ति अपने पास से नहीं रख सकते थे। 1978 44वां संविधान संशोधन ने 1978 से पहले क्या होता था कि भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अपने पास से रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कोई ना कोई फिक्स सीमित अपनी कोई सीमा है, इतनी संपत्ति हमें रख सकते हैं। तो देखो बात करते हैं मौलिक अधिकार कितने हैं, तो भाई 6, कितने थे 7, कौन सा हटाया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, कब हटाया पूछ ले तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया था भाई। अब देखो पहले ये 31A में था, किस में था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अधिकार कितने से कितने तक है भाई, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और इतनी गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में एक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, करवाएंगे बिल्कुल डिटेल से एक एक अनुच्छेद को, देखना अनुच्छेद 31A में से लेकर अब ये कानूनी अधिकार बना दिया 300A में बना दिया। तो ध्यान रखना भाई 31A से हटाकर किस में कर दिया, 300A में इसको कर दिया गया। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 44वां संविधान संशोधन से इंपॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन, भाई 42वां संविधान संशोधन की बात कर ले, तो देखो 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई लघु संविधान, लघु संविधान। लघु संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 42वां संविधान संशोधन, इसको क्या कहते हैं भाई लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं लघु संविधान, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अपना जो संविधान है ना, इसमें सबसे ज्यादा बदलाव किया गया था, इसलिए इसको कहते हैं 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। याद रखना भाई संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन प्रणाली है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपका सहयोग बना रहेगा तो इतनी ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने आएंगी कि आप याद रखेंगे जीके के लिए। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई सूर्य के उच्च ताप का कारण क्या है, सूर्य के उच्च ताप का कारण। तो देखो सूर्य के उच्च ताप का कारण क्या है, तो सूर्य के उच्च ताप का कारण है भाई नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन है ना, सूर्य के उच्च ताप का कारण क्या है भैया, नाभिकीय संलयन। एक आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन और एक पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन,
देखो नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी अगर आप डेफिनेशन को याद करना चाहते हो तो उसको देखो एक बार नाम से देखो। विखंडन, खंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। खंडन का मतलब है टूटना, और संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें तो कोई ना कुछ जुड़ेगा, इसमें क्या होगा? टूटेगा। तो देखो संलयन में देखो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को कहते हैं भाई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। और इसमें क्या होता है कि एक बड़ा अणु होता है जो वो टूट फिर टूटता है ना, तो वो छोटे छोटे बहुत अधिक परमाणुओं में बिखर जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। डेफिनेशन एक या दो बार HSSC ने भी पूछी है, तो डेफिनेशन पूछ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी खुद की डेफिनेशन बनाओ। क्या बनेगी भाई डेफिनेशन? है कि नाभिकीय संलयन में वो क्रिया होती है कि इसमें कि दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं ना वो जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। विखंडन में क्या होगा कि दो या दो से अधिक जो एक जो बड़ा अणु होता है ना ये टूटेगा तो क्या होगा भाई? छोटे छोटे परमाणुओं में बिखर जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में सीधा आपसे एग्जाम्पल पूछेगा। तो देखो याद रखना भाई, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है भाई सूर्य, जो अपना क्वेश्चन था वो तारा। हाइड्रोजन बम्ब, हाइड्रोजन बम्ब, हाइड्रोजन बम्ब, ठीक। इसके बारे में ध्यान रखना, विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो भाई नियंत्रित, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन भाई, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, और एक होती है भाई अनियंत्रित, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो नाम से पता चल रहा है भाई नियंत्रित, यानी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। अनियंत्रित इसमें कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है, अगर जो चीज इसमें चल गई वो चलेगी। देखो जैसे परमाणु बम्ब है, परमाणु बम्ब, वो परमाणु बम्ब इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल आएगा भाई परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी। तो याद रखना भाई परमाणु भट्टी और परमाणु बम्ब, हम देखो किसी भी देश पे जब कोई देश किसी देश पे परमाणु बम्ब डालेगा तो वो नहीं चाहेगा कि भाई उस पर कोई कंट्रोल यानी नियंत्रित कर सके। तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो अनियंत्रित, और जो ना ये जो परमाणु भट्टी नाभिक भट्टी होती इनको हमको बंद करना पड़ता है भाई, एक महीने दो महीने साल डेढ़ साल में कभी ना कभी बंद करना पड़ता है। इसलिए कौन सी रिएक्शन है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो देखो एक दो क्वेश्चन और देखो इसमें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना भाई एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो होन ने, ओटो होन ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC पूछती है, एक दो बार पूछा हुआ है, HSSC में भी आया था भाई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। ये क्वेश्चन इतने बहुत है भाई। तो भाई आज की क्लास आपको कैसे लगी? लाइक करना इसको, कमेंट करना, कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसी क्लासेज चाहिए तो हम ऐसी क्लास दो तीन दिन में प्रोवाइड करवाएंगे। एक सिस्टम से अपना चैनल शुरू करेंगे, टेंशन न ले, एक आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, शेयर करो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम नई नई ऐसी वीडियो आपको रेगुलर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो भाई सबसे पहले अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। थैंक यू।